नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 मई, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है बुध पूर्णिमा, लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। सूबे में सुरक्षित और आधुनिक बसों की होगी खरीदारी। जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से नहीं मिली राहत। आज हार्दिक की सेना राजस्थान रॉयल से हिसाब बराबर करने उतरेगी मैदान पर। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए FTII में नौकरी। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा कैमरामैन, ग्राफिक असिस्टेंट, मेकअप आर्टिस्ट, फिल्म एडिटर, साउंड रिकॉर्डिस्ट, लैब असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट और MTS के कुल 84 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है और साथ ही संबंधित क्षेत्र में डिग्री होना भी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रिक्रूटमेंट 2023@FTII.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 29 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। आज है बुध पूर्णिमा, लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण। आज यानी कि 5 मई को बुध जयंती है। ऐसे में आज बिहार के बोधगया में स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर समेत अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मालूम हो कि बुध जयंती के अवसर पर महाबोधि मंदिर में विशेष अनुष्ठान और विश्व शांति प्रार्थना के साथ 2567वीं बुध जयंती मनाई जाएगी, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर शामिल होंगे। इसके साथ ही आज के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है, जिसका असर ज्योतिषियों के अनुसार रात के 8:46 बजे से लेकर 1 बजे तक रहेगा। हालांकि ज्योतिषियों का यह भी कहना है कि आज लगने वाले चंद्र ग्रहण को भारत में स्पष्ट रूप से देखा नहीं जा सकेगा, इसलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का मान्य नहीं होगा। आपके जानकारी के लिए बता दें कि साल का अंतिम और देश में दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात्रि में लगेगा। बिहारी बोधरे में आज हम बात करेंगे सुरूर होदा के बारे में। सुरूर होदा का जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ था। यह एक समाजवादी राजनेता और ट्रेड यूनियनिस्ट थे, जो महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित आदर्शों में विश्वास करते थे। इन्हें MS होदा के नाम से भी जाना जाता है। वह जयप्रकाश नारायण के सहयोगी थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद तुरंत बाद इंडियन सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। सुरूर होदा ने श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में आपातकाल लगाने और नागरिक स्वतंत्रता के निलंबन के खिलाफ भारत के बाहर चरमत जुटाने में सक्रिय भूमिका निभाई। वह बांग्लादेश में बिहारी शरणार्थियों से संबंधित मुद्दों में शामिल थे। होदा ने तिब्बती आत्मनिर्णय को बढ़ावा देने और फिजी की लोकतांत्रिक सरकार की बहाली के लिए भी काम किया है। 1983 में होदा ने ब्रिटेन में गांधी फाउंडेशन बनाया। ब्रिटेन में सामुदायिक संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के लिए सेवाओं के लिए होदा को 2000 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत के उच्चायुक्त द्वारा 15 अगस्त 2000 को लंदन में विदेश सम्मान से सम्मानित किया गया था। सूबे में सुरक्षित और आधुनिक बसों की ही होगी खरीदारी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा सूबे में सुरक्षित और आधुनिक बसों की खरीदारी के लिए अपनी पहल की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि इस पहल के तहत बहुत जल्द ही 50 AC बसों की खरीदारी की जाएगी। दरअसल प्रदूषण से बचाव और सुरक्षा के आधुनिक और पुख्ता इंतजाम वाले बसों की खरीदारी के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया है। मालूम हो कि आगलगी की घटना पर भी लगाम लगाने के लिए अग्नि जांच एवं नियंत्रण प्रणाली युक्त बसों की खरीदारी की जाएगी, ताकि बस के किसी भी हिस्से में अधिक गर्मी होने अथवा धुआं होने पर यह प्रणाली उसकी पहचान कर लेगा और साथ ही इसकी जानकारी डैशबोर्ड पर भी देगा और बचाव का उपाय भी खुद कर लेगा। बता दें कि ऐसे उपकरणों से लैस बसों की खरीदारी करने पर इसकी कीमत 4 से 5% तक बढ़ जाती है। अब हर घर नल का जल का पूर्ण जिम्मा PHED के पास। हर घर नल का जल योजना के तहत बिहार के 23% घर ऐसे हैं जहां पानी की सप्लाई में समस्या आ रही है। बता दें कि समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि इस योजना की जिम्मेदारी संभाल रहे विभाग नगर विकास एवं आवास विभाग PHED और पंचायत राज विभाग के बीच आपसी समन्वय नहीं बन पा रही, जिस वजह से तत्काल समस्या का निस्तारण नहीं किया जा रहा। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब हर घर नल का जल का पूर्ण जिम्मा PHED विभाग के पास होगा, यानी कि अब 3 विभाग की जगह केवल एक ही विभाग के द्वारा सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाएगा। मालूम हो कि अब PHED के द्वारा ही पेयजल की जांच की जाएगी। इसके अलावा पाइपलाइन के बिछाने, टंकी के निर्माण सहित अन्य सभी कामों को PHED के द्वारा ही किया जाएगा।
मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से नहीं मिली राहत। तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर कथित हिंसा मामले को लेकर फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में मनीष कश्यप के मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। बता दें कि मनीष कश्यप को मदुरई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है और मदुरई कोर्ट के द्वारा मनीष कश्यप के न्यायिक हिरासत को 17 मई तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल मनीष कश्यप को मदुरई सेंट्रल जेल में रखा गया है। मालूम हो कि मनीष कश्यप के खिलाफ इस मामले को लेकर तमिलनाडु और बिहार में 5 मामले दर्ज किए गए हैं। बता दें कि मनीष कश्यप के द्वारा खुद को सरेंडर जगदीशपुर ओपी में 18 मार्च को किया गया था, जब 18 मार्च की सुबह ईओयू और पुलिस की टीम के द्वारा उनके घर पर कुर्की करने पहुंची थी। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 83,000 छात्रों को दिया जाएगा लोन। SCERT निदेशक सज्जन आर के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस वर्ष यानी कि वर्ष 2023-24 में शिक्षा विभाग की ओर से चिलेवार तरीके से राज्य के 83,000 विद्यार्थियों को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जितने भी आवेदन आएंगे उन्हें इसी लक्ष्य के मद्देनजर स्वीकार किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूरे राज्य में जिस जिले के छात्रों को सबसे ज्यादा लोन देने का टारगेट किया गया है वह पटना है। अगर आप भी इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत लोन लेना चाहते हैं तो आप सात निश्चय yuvaupmission.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड कर फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियों को भरकर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर और काउंसलिंग ऑफिस पर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा कर दे। बता दें कि इस योजना का लाभ 18 से 25 वर्ष तक के ही छात्र उठा सकते हैं। जातिगत गणना पर पटना हाई कोर्ट ने लगाई रोक। बीते दिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका दे दिया गया है। दरअसल बीते दिन पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच के द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अखिलेश कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और साथ ही डाटा शेयर या उनका उपयोग पर भी रोक लगा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोर्ट के द्वारा बुधवार को फैसला सुरक्षित लिया गया था, वहीं बीते दिन अपना अंतरिम आदेश पारित कर दिया गया है। मालूम हो कि बीते दिन यानी कि गुरुवार को कोर्ट से कहा गया कि राज्य में जाति आधारित गणना सर्वसम्मति से कराई जा रही है और केंद्र सरकार से भी इसकी अनुमति ली गई है। हम पहले चाहते थे कि यह पूरे देश में कराया जाए, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो हम लोगों ने जाति आधारित गणना सह आर्थिक सर्वे कराने का फैसला लिया। बता दें कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई कोर्ट के द्वारा 3 जुलाई को की जाएगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे बख्तियार खान का मकबरा के बारे में। बख्तियार खान का मकबरा भारतीय राज्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित एक मकबरा है। यह राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है। चैनपुर क्षेत्र में कुहार नदी के तट पर स्थित यह पंक्ति कई पहलुओं में सासाराम में हसन शाह के रोजा के बराबर है, जिसकी लंबाई 88 मीटर और चौड़ाई 70 मीटर है। मकबरे के शिलालेख में निर्माण की तारीख नहीं है। निर्माण की शैली से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शेर सासुरी के मकबरे के समान अवधि के दौरान बनाया गया था। यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि इसका निर्माण 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच किया गया था। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण है। मकबरा एक अष्टकोणीय इमारत है जो एक नीची चबूतरे पर स्थित है। प्रवेश द्वार मकबरे के पूर्वी हिस्से में है। मकबरे के शिलालेख में कुरान की आयतें हैं। मकबरे के भीतर लगभग 30 कब्रें हैं। इसके अतिरिक्त बाहरी प्रांगण में कुछ कब्रें भी हैं। अब राज्य में जिला स्तर पर एकत्र होगा अपराधियों का फिंगरप्रिंट। अब राज्य में सभी स्तर के अपराधियों का जिला स्तर पर फिंगरप्रिंट एकत्रित होगा। इसको लेकर सभी जिलों को जल्द व्यापक कार्ययोजना तैयार कर काम शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। बता दें कि इसे लागू करने से संबंधित समुचित दिशा निर्देश तैयार करने की जिम्मेदारी CID को सौंपी गई है। वहीं गाइडलाइन तैयार होने के बाद इसे एक समान रूप से लागू कर दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले इस जिले के बड़े थानों में जारी किया जाएगा और फिर चरणबद्ध तरीके से अन्य स्तर के थानों में भी जारी कर दिया जाएगा। मालूम हो कि इससे संबंधित सॉफ्टवेयर को NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की मदद से तैयार किया जा रहा है। बता दें कि जिस अपराधी का फिंगरप्रिंट दर्ज किया जाएगा उसे 10 अंकों वाला एक यूनिक नंबर भी दिया जाएगा। NEET UG एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप भी 7 मई से होने वाले NEET UG एंट्रेंस एग्जाम 2023 में भाग ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इस परीक्षा को लेकर NTA के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी रत्न ताबीज धातु से बनी वस्तुएं जैसे अंगूठी ब्रेसलेट कान की बाली नोज पिन चेन हार पेंडेंट बैज ब्रोच बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर प्रवेश नहीं पा सकते। इसके अलावा परीक्षार्थियों को यह भी सलाह दी गई है कि वह चप्पल या सैंडल जैसे खुले जूते पहने। वहीं परीक्षा हॉल में परीक्षार्थी पेन पेंसिल पारदर्शी बोतल में पीने का पानी प्रवेश पत्र और एक मूल फोटो पहचान पत्र लेकर प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की भी मनाही की गई है। ऐसे में यदि कोई परीक्षार्थियों के पास यह मिलता है तो उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
राज्य में बना रहेगा शुष्क मौसम। बिहार में मौसम का मिजाज जिस तरह से बदल रहा है उसके बाद से बारिश और गर्मी को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। दरअसल दिन में गर्मी जैसे हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन शाम होते ही ठंडी हवा और बूंदाबांदी देखने को मिलती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में बारिश और कई जिलों में गर्मी की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों बारिश हुई है, खासकर दक्षिण पश्चिम बिहार में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। गया में वन विभाग ने बाघ की खाल के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। वन विभाग की टीम को गया पुलिस की टेक्निकल सेल एसएसबी व वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के ज्वाइंट ऑपरेशन में पशु तस्करों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल वन विभाग की टीम के द्वारा एक बाघ की खाल बरामद की गई है और साथ ही एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है। मालूम हो कि बाघ की खाल की कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि यह तस्कर अंतर्राज्यीय गिरोह से जुड़े हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी भी कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और साथ ही एक महिला तस्कर की भी खोजबीन की जा रही है जो टिकारी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है और बाघ की खाल कहां से लाई गई है इसका पता करने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि वन विभाग की असफलता पशु तस्करी के नेक्सस पर रोक लगाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। शिक्षा भवनों के लिए द्वारा जारी किए गए पैसे। राज्य सरकार के द्वारा 2023-24 वित्तीय वर्ष के महज 7 दिन पहले बिहार के 7 जिलों के शिक्षा भवन निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था, लेकिन पैसे की निकासी नहीं होने के कारण एक बार फिर से राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट से शिक्षा भवनों के निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मालूम हो कि इस राशि से तत्काल शिक्षा भवन का निर्माण कार्य को शुरू किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्तीय वर्ष से 7 दिन पहले राज्य सरकार की ओर से जिन 7 जिलों के लिए राशि जारी किया गया था उनमें मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, नवादा व शिवहर के नाम शामिल है। मालूम हो कि इनके निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। वही निर्माण होने वाले शिक्षा भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद रहेंगी। नमो ऐप पर पीएम मोदी की मन की बात सुनने में बिहार दूसरे नंबर पर। बीते 30 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने मन की बात का कार्यक्रम का 100वां एपिसोड आयोजित किया गया था। वहीं अब यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि भाजपा के नमो ऐप के जरिए इस कार्यक्रम को सुनने और फोटो अपलोड करने पर पूरे देश में बिहार दूसरे नंबर पर रहा। दरअसल पार्टी की ओर से 3 स्तरों पर वर्गीकरण किया गया है जिसमें देश, राज्य और लोकसभा क्षेत्र शामिल है। वहीं इसी वर्गीकरण के आधार पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि देश में मन की बात कार्यक्रम को सुनने वाला भारत सबसे पहले नंबर पर, तो वहीं दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया शामिल है। वहीं अगर राज्य की बात करें तो इसमें सबसे पहले स्थान पर गुजरात, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। इसके अलावा अगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पहले नंबर पर पूर्वी चंपारण, दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर राजकोट रहा। बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी। अगर आप भी बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन करने का चूक गए हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 32वीं न्यायिक सेवा परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। मालूम हो कि पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2023 तक निर्धारित कर दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 8 मई 2023 तक कर दी गई है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी के पास आवेदन करने का एक और मौका है। वह बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट ppsc.bih.nic.in में माध्यम से 8 मई तक अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थी 8 मई तक अपने एप्लीकेशन में किसी प्रकार की सुधार भी करवा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी एकजुटता को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा गया कि हम पूरे देश में विपक्षी एकता का प्रयास कर रहे हैं, हमें कब कहां जाना है वो समय आने पर जरूर बताएंगे। उन्होंने कहा कि किसे क्या बोलना है वो वहीं जाने पर हम अपना काम कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन से मिलने की बात पर जवाब देते हुए कहा कि हमें इस खबर पर आश्चर्य हुआ है, लेकिन हम जाएंगे मिलेंगे जो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा, अभी चिंता मत कीजिए। उन्होंने कहा विपक्षी एकता से ही देश सुरक्षित रह सकता है, पूरे देश का इतिहास बदला जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। आनंद मोहन की रिहाई पर सुशील मोदी क्या बोल रहे हैं, पहले कुछ और ही बोल रहे थे, वे देश के इतिहास को बदलने के चक्कर में हैं, इसलिए हम सभी को एकजुट कर रहे हैं। विजय सिन्हा और उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर लगाया आरोप।
बीते दिन पटना हाईकोर्ट के द्वारा राज्य में चल रहे जातीय गन्ना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के बाद बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा सीएम नीतीश पर निशाना साधा गया है। बता दें कि विजय सिन्हा के द्वारा कहा गया कि उनकी नीयत में खोट है, जिसके कारण बिहार कहीं न कहीं भ्रमित होता है और उनके कर्मों के कारण बिहार लज्जित होता है। उन्होंने कहा कि राज्य में जातीय गन्ना कराना उनका सिर्फ खाना पूर्ति था, वे इसका चुनाव में लाभ उठाना चाहते थे। नीतीश कुमार की नीयत में शुरू से खोट थी, इस पर पहले बहस होनी चाहिए थी, पब्लिक का ओपिनियन लेना चाहिए था, तब जाकर नीति निर्धारित करते तो सफल होता। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा कहा गया कि ऐसा फैसला सरकार के सुस्त रवैया और नॉन सीरियस होने का परिणाम है। नीतीश कुमार जो दूसरे राज्य में जाकर घूमते हैं और ऐसी चीजों में अपनी रुचि नहीं रखते, उनकी जवाबदेही थी कि वो कोर्ट को जातीय गणना के पक्ष में समझाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जो फैसला आया है वह उनकी लापरवाही का नतीजा है। प्रशांत किशोर ने इन नेताओं पर भरोसा न करने की दी जनता को सलाह। बीते दिन राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान बिहार सरकार समेत पीएम मोदी पर हमला करते हुए जनता को संबोधित करते हुए एक बड़ी अपील की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस को वोट देकर आप सभी ने देख लिया कि किसी ने आपका जीवन नहीं सुधारा, तो अब आप सभी किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। उन्होंने कहा कि आपने सभी को वोट दिया और देखा, लेकिन आपके जीवन में कोई सुधार नहीं आया, फिर भी उन सभी पर क्या भरोसा करना। अगर आप सभी को वोट करना ही है तो अपने बच्चों का चेहरा देखकर करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सभी बातें प्रशांत किशोर के द्वारा वैशाली के राजा पाकड़ पदयात्रा शिविर में चल रहे सर्वधर्म प्रार्थना में कहा गया है। बागेश्वर धाम सरकार का विरोध करने वालों पर जमकर बरसे अश्विनी चौबे। जब से बिहार की राजधानी पटना में बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन की खबर आई है, तब से लगातार वार प्रतिकार का दौर हो रहा है। बता दें कि अब उनके आगमन को लेकर विरोध करने वाले सभी लोगों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा पलटवार करते हुए एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिसने बाल्यकाल से देश की दिशा और दशा को बदलने का संकल्प लिया हो, ऐसे संकल्प व्यक्ति के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि वह आंधी की तरह उड़ जाएगा, जो कहते हैं कि आने नहीं देंगे उनके 32 दांत झड़ जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री मूर्ख हैं, इन्हें शिक्षा से लेना देना नहीं है। धर्मेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम सफल होगा, मैं स्वयं वहां रहूंगा, देखते हैं किसकी मजाल है जो उन्हें रोक देगा। बता दें कि सभी बातें अश्विनी चौबे के द्वारा भागलपुर में कही गई है। आज हार्दिक की सेना राजस्थान रॉयल्स से हिसाब बराबर करने उतरेगी मैदान पर। आज यानी कि 5 मई को आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 48वां उपमुकाबला राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। बता दें कि जब पिछली बार इन दोनों टीमों को आपस में मुकाबला हुआ था तो उस दौरान राजस्थान रॉयल्स के द्वारा गुजरात टाइटंस को उनके ही होम ग्राउंड यानी कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 3 विकेट से हराया गया था। ऐसे में आज गुजरात की टीम राजस्थान की टीम से हिसाब बराबर करने मैदान में उतरेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 4 मैच खेले गए हैं, जिसमें गुजरात टाइटंस के द्वारा 3 मैचों में जीत हासिल की गई है, तो वहीं 1 मैच में राजस्थान रॉयल्स को जीत मिली है। यह मुकाबला आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1883 में जेल जाने वाले पहले पत्रकार बने। महात्मा गांधी को 1944 में जेल से रिहा किया गया। भारत में झारखंड पार्टी की स्थापना 1949 में हुई। फू दोरजी बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट फतह करने वाले पहले भारतीय 1984 में बने। एनटीपीसी के रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगातार 3रे वर्ष ग्रीनटेक गोल्ड सेफ्टी अवार्ड 2008 में मिला। पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज का अंतिम संस्कार 2008 को संपन्न हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा गुर्जरों को 1% आरक्षण तत्काल और 4% का बैकलॉग रखने के समझौते के बाद गुर्जरों ने 2010 में आंदोलन समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू ने सभी कोर्सों में सेक्स वर्कर्स और उनके आश्रितों की फीस माफ करने की घोषणा 2010 में की। संगीत और सफलता का सही मिश्रण कहे जाने वाले संगीत निर्देशक नौशाद अली ने 2006 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह 1916 में जन्म हुए। परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक मेजर होशियार सिंह का जन्म 1937 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज समरेश चंग का जन्म 1970 में हुआ। बालघर में आज हम बात करेंगे फ्री रिचार्ज के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फ्री रिचार्ज के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी भारतीय यूजर्स को 239 रुपए का 28 दिन वाला रिचार्ज फ्री में दिया जा रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा फर्जी है। भारत सरकार द्वारा यह फ्री रिचार्ज योजना नहीं चलाई जा रही, यह धोखाधड़ी का एक प्रयास है। फोन पे पर भी हो सकेगा बिना पिन डाले सबसे फास्ट ट्रांजैक्शन।
फोनपे ने अपने ऐप पर यूपीआई लाइट फीचर लाइव कर दिया है। यह फीचर यूजर्स को 200 रुपए से कम मूल्य का भुगतान बिना पेंडाले यूपीआई लाइट अकाउंट से एक टैप के साथ करने की अनुमति देता है। दरअसल यह सर्विस नियमित यूपीआई लेनदेन की तुलना में लेनदेन को अधिक सहज और तेज बनाती है, साथ ही लेनदेन की सफलता की संभावना को भी बढ़ाता है। अगर आप भी यूपीआई लाइट फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना फोनपे ऐप ओपन करना होगा। अब ऐप की होम स्क्रीन पर आपको यूपीआई लाइट को इनेबल करने का विकल्प दिखाई देगा। यूपीआई लाइट में पैसे ऐड करने के लिए बैंक अकाउंट का चयन करें, अपना पिन एंटर करें और आपका यूपीआई लाइट अकाउंट इनेबल हो जाएगा। अब हफ्ते में 2 दिन बंद हो सकता है बैंक। अगर आप भी सरकारी बैंकों में काम करते हैं तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल बहुत जल्दी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन छुट्टी देने पर अपना अप्रूवल देकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। यानी कि यह नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कर्मचारियों को सप्ताह में केवल 5 दिन काम करने होंगे। CNBC आवाज की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा बैंकों के इस डिमांड पर सरकार को एक प्रपोजल भेजा गया था, जिस पर विचार करके जल्द ही वेज बोर्ड रिवीजन के साथ नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही कर्मचारियों के प्रत्येक दिन के काम के घंटों को 40 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि कर्मचारियों को सुबह 9:45 से लेकर शाम 5:30 बजे तक काम करना पड़ सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, धर्मेंद्र कुमार, अभिषेक राज, राजीव कुमार, गिरजानंद सरदार, मृत्युंजय कुमार, सदुल्लाह पलवी, विनय राज, अंटू कुमार, अक्षय सत्यार्थी, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, सुरुचि कुमारी, समर सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, गर्मी के मौसम में आप कहाँ घूमना पसंद करेंगे? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।